आज मैं आपको रियोगु एस्ट्रॉयड के बारे में मिले रिजल्ट्स बताने जा रहा हूँ। ये सिंपल सा दिखने वाला एस्ट्रॉयड है जिसे एक जैपनीज प्रोब ने विजिट किया था। इस विजिट के दौरान जैपनीज प्रोब ने 2019 में सैंपल इकट्ठा किए थे। इस प्रोब को हायाबुसा 2 के नाम से भी जाना जाता है। ये मिशन नासा के बेनु एस्ट्रॉयड पर अटेम्प्ट से पहले कंडक्ट किया गया था। तो आज हम वास्तव में उस एस्ट्रॉयड के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में पिछले कुछ सालों में काफी खोज हुई है, और हम ये भी जानेंगे कि आखिर इस एस्ट्रॉयड की डिस्कवरी एक्चुअल में इतनी रोमांचक क्यों है। हमारे पास काफी सारी डिस्कवरीज हैं जो कि रिसर्चर्स ने लगभग 4 साल तक की हैं, और इन सभी सैंपल्स को डिटेल से एनालाइज किया है। इन खोजों को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये एस्ट्रॉयड इतना इंटरेस्टिंग क्यों है। अगर आप इस एस्ट्रॉयड को देखेंगे तो ये असल में बहुत ही टिपिकल सी टाइप का एस्ट्रॉयड है। मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट में इससे मिलते जुलते कई तरह के एस्ट्रॉयड्स हैं, लेकिन यहाँ मेन डिफरेंस ये है कि ये एस्ट्रॉयड एस्ट्रॉयड बेल्ट में नहीं है, और साथ ही ये सूर्य के बहुत नजदीक चक्कर लगाता है और इसका ऑर्बिट पृथ्वी से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। आप इसे यहाँ हरे रंग में देख सकते हैं, और इसे नियर अर्थ एस्ट्रॉयड के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे कई सारे संभावित अवसर बन सकते हैं कि ये पृथ्वी तक आ जाए। ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट साफ तौर से कई अलग अलग कारणों से इंटरेस्टिंग है। आप इस एस्ट्रॉयड की सतह की इस शानदार तस्वीर को देख सकते हैं जिसे मिशन के दौरान एस्ट्रॉयड की सतह से ही कैप्चर किया गया था, और जैसा कि आप यहाँ इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा सुराखदार है। ये असल में एक पत्थर नहीं है, बल्कि यह मुख्य रूप से धूल और वेरियस पार्टिकल्स का एक कलेक्शन है जो कि एक बड़े बर्फ के गोले में जमा है। इनका आपस में जमाव देखकर ऐसा लगता है कि ये गुरुत्वाकर्षण और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से बंधे हुए हैं, लेकिन जैसे ही हमें इस एस्ट्रॉयड से सैंपल मिले वैसे ही हमारे सामने इसकी मिस्ट्री रिवील हो गई। हमें पता चला कि यहाँ पहले ही बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर था, और ये वास्तव में वो चीज है जिसे हम आमतौर पर कॉमेट्स जैसी चीजों में पाते हैं, न कि एस्ट्रॉयड्स में। और विभिन्न आइसोटोप्स स्पेशली ऑक्सीजन की एनालिसिस करने से ये भी पता चला कि बहुत सारा मटेरियल वास्तव में सौरमंडल की बाहरी सीमा से था, न कि एस्ट्रॉयड बेल्ट से। हाल ही में एक रिसेंट स्टडी इसकी संभावित एक्सप्लेनेशन भी देती है। इस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन सामान्य रूप में ये डिस्कवरी सजेस्ट करती है कि बिलियन साल पहले रियोगु संभावना है कि सौरमंडल के किनारे पर किसी बड़ी चीज का हिस्सा था, और वह चीज लगभग 100 किलोमीटर के डायमीटर में फैली होगी जो कि एक कॉलिजन के कारण नष्ट हो गई थी, और आज हमारे सामने उसका कुछ पार्ट ही बचा है जिनमें से कुछ अपने अलग अलग एस्ट्रॉयड में मिल गए। फर्दर एनालिसिस से ये पता चला कि रियोगु और उससे दूर के एस्ट्रॉयड्स के बीच बहुत सी समानताएं हैं, जैसे हेक्टर एस्ट्रॉयड जो कि बृहस्पति के बहुत करीब ऑर्बिट में है। बहुत से एस्ट्रॉयड्स में काफी सारे ऑर्गेनिक मैटर हैं जो अक्सर सूर्य के पास आने पर किसी भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण कॉमेट बन जाते हैं, जिसके कारण उनके ऑर्बिट में परिवर्तन आ जाता है, और ऐसा ही कुछ रियोगु के साथ भी हुआ होगा। और आखिरकार ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट के चलते इस ऑर्बिट में आ गया जो हम यहाँ देख सकते हैं। ये शायद कुछ समय के लिए एक कॉमेट भी रहा होगा, लेकिन क्योंकि इसकी सतह से सब कुछ भाप बनकर वाष्पित हो गया था, इसलिए अब इसमें केवल कुछ ही शेष बचा है जो कि सतह पर है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर बहुत कुछ छिपा हो, क्योंकि इस केस में इसके अंदर के सैंपल्स भी प्राप्त किए गए हैं जिससे कि हम यहाँ इस एस्ट्रॉयड के ओरिजिन के संकेत भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के सैंपल्स की एनालिसिस करने से ये पता चला है कि ये मुख्य रूप से सौरमंडल में हर जगह से लिए गए बहुत से मटेरियल का एक मिश्रण है। उदाहरण के लिए इसमें ग्रेन्स हैं जो कि 1000 डिग्री सेल्सियस से भी हाई टेम्परेचर में बनते हैं, जिसका मतलब है कि शायद शुरू में ये एक छोटा पत्थर था जो कहीं और से ट्रांसपोर्ट हुआ, जिससे कि बाद में जाकर इसका बड़े रूप में निर्माण हुआ। इस लार्जर बॉडी के डिस्ट्रॉय होने से पहले शायद इसके भीतर की किसी जगह पर पानी के संकेत भी हो सकते थे, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनालिसिस करने पर सैंपल्स के अंदर तरल पानी के संकेत मिले हैं, और साथ ही CO2 भी। इसमें बेसिकली कार्बोनेटेड पानी की बहुत ही छोटी छोटी बूंदें मिली हैं। इसके अलावा यहाँ पर असामान्य क्रिस्टल्स भी थे। ऐसा माना जाता है कि ये क्रिस्टल्स तरल पानी की मौजूदगी में बने हैं। अगर ये आपके लिए अजीब नहीं है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके अलावा यहाँ यूरेसिल की भी खोज हुई जो RNA के 4 कंपोनेंट्स में से एक है, जो कि यहाँ भी पाया गया है। साथ ही कई और चीजें भी पाई गईं, जिसमें विटामिन B3 और बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स शामिल हैं। और एक बार फिर इस एस्ट्रॉयड के ऑर्बिट के आधार पर ये हमें इन सभी चीजों के ओरिजिन के बारे में महत्वपूर्ण एविडेंस प्रदान करता है जो कि पृथ्वी पर मौजूद हैं।
इस बात की संभावना है कि जीवन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है जिसमें मुख्यतः पानी है, जो बिलियन सालों पहले रियोगु जैसे ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचा था। लेकिन इसके अलावा हाल ही की एक स्टडी ने एक और इम्पॉर्टेंट मिस्ट्री को भी सॉल्व कर लिया है, जो कि एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे बहुत लंबे समय तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया था। इस पर हमने एक अलग वीडियो में भी बात की है। यदि आप पृथ्वी के वायुमंडल को देखें और जीवन के कई विभिन्न आधारों को देखने की कोशिश करेंगे तो एक चीज है जो अब भी एक्सप्लेन नहीं की जा सकी है, वो है नाइट्रोजन, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में मेन कंपाउंड है और लगभग सभी प्रकार के जीवन में ये कंपाउंड है। लेकिन आज तक ये क्लियर नहीं है कि आखिर नाइट्रोजन कहाँ से आई। उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एक और ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी नाइट्रोजन है और बहुत गहरा वायुमंडल भी, जैसे कि पृथ्वी का है, वह है सैटर्न प्लैनेट का चंद्रमा टाइटन, और इसका ओरिजिन भी अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन रियोगो ने फिर से इसे लेकर कुछ हिंट्स दिए हैं। हम जानते हैं कि सामान्य रूप से बहुत सारे नाइट्रोजन कंपाउंड्स जैसे कि अमोनिया सॉल्ट्स सौरमंडल के किनारे पर काफी प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं था कि वे धरती तक कैसे पहुंचे। इसके बावजूद सैंपल्स को एनालाइज करने पर रिसर्चर्स ने इन सैंपल्स के सरफेस पर आयरन नाइट्राइड को पाया, जो कि नाइट्रोजन के आयरन के साथ मिलने पर बनता है, और ये बहुत सी विभिन्न सतहों पर एक बहुत ही असामान्य लेयर बनाता है। और यहाँ एक्सप्लेनेशन ये है कि ऐसा माना जाता है कि अरबों सालों के दौरान बहुत से माइक्रोमीटियोराइट्स या छोटे छोटे धूमकेतु और उल्कापिंड के छोटे छोटे टुकड़े, जिनमें अमोनिया भी हो सकता है, रियोगो की सतह पर ठोस हो गए और इनमें कई तरह की रासायनिक इंटरेक्शंस हुई, जिनमें बाकी माइक्रोमीटियोराइट के बीच का टकराव भी शामिल है। इन टकरावों से असामान्य परतों का निर्माण हुआ, जो कि खुद में अब तक की एक बड़ी डिस्कवरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्लैनेट पृथ्वी पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिलीवरी सिस्टम पर प्रकाश डालता है। ये डिलीवरी सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है। ये एस्ट्रॉइड्स अरबों सालों तक बहुत से केमिकल रिएक्शन से गुजरे और इन सभी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को पृथ्वी पर लाए। एडिशनल स्टडी से ये पता चला है कि कैसे पानी ने एडिशनल केमिकल रिएक्शंस और बहुत सारी आइसोटोपिक इंटरेक्शंस की, जो एस्ट्रॉइड के अंदर केमिस्ट्री को और भी ज्यादा प्रभावित करते हैं। रियोगु एस्ट्रॉइड पर इनिशियल केमिकल रिएक्शंस अरबों सालों तक एडिशनल रिएक्शंस से प्रभावित हुए, क्योंकि रियोगु ने सोलर सिस्टम की यात्रा की थी और सोलर सिस्टम के विभिन्न हिस्सों के साथ इंटरेक्शन की थी। क्योंकि इसके ऑर्बिट में परिवर्तन हुआ था, इसलिए सबसे पहले बाहरी इलाके में इसने संभवतः बहुत सारे कार्बन युक्त मैटर और अमोनिया सहित बहुत सारे वॉलेटाइल कंपाउंड्स प्राप्त कर लिए थे, जिसमें नाइट्रोजन होती है। लेकिन जैसे ही यह सूर्य के और करीब आया, वैसे ही इसके स्ट्रक्चर में बदलाव आने लगा, और इसी के चलते इससे बहुत से वॉलेटाइल कंपाउंड्स कॉमेट्री एक्टिविटी की अवस्थाओं के बीच से बच के निकलने लगे। मगर ऐसा होने से इसे कई माइक्रोमीटियोराइट और यहाँ तक की कॉमेट्री टेल से भी एडिशनल मैटर प्राप्त होने लगा, जो कि वाकई हैरान करने वाला है। क्योंकि अब हमें सतह पर विभिन्न तरह के कॉमेट्री पीसेज में होने वाली आपस की कन्वर्जेशन के प्रमाण मिलते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया मेल्ट स्प्लैश, जो कि माइक्रोमीटियोराइट से छोटे छोटे क्रेटर्स होते हैं। ये आकार में माइक्रोमीटियोर के जितने होते हैं, जिनमें कार्बोनेट मटेरियल शामिल है। ये कार्बोनेट मटेरियल कॉमेट्री धूल की तरह ही होते हैं और केवल ये कॉमेट्री डस्ट स्ट्राइकिंग से ही सतह पर पहुंच सकते हैं। इसलिए यहाँ बहुत सारी डिस्कवरीज यही सजेस्ट करती हैं कि एक एस्ट्रॉयड के अंदर कॉमेट्री पार्टिकल्स और सिलिकेट मटेरियल्स के बीच बहुत कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेक्निकली ये काफी अलग नहीं है, क्योंकि इसी से आप और मैं भी बने हुए हैं। ये बेसिकली प्राचीन ऑर्गेनिक मैटर है। मुझे लगता है कि ये जीवन के बीज हैं। इन काफी सारे माइक्रो क्रिएटर्स को कई सैंपल्स में खोजा गया है। ये एक बहुत ही कॉमन अकरेंसेस के रूप में देखे जा सकते हैं, और यही कारण है कि ये बहुत से एस्ट्रॉइड्स के लिए एनरिचमेंट सिस्टम के रूप में काम करता है, जो कभी कभी पृथ्वी पर पहुंचते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये कॉमेट्री चीजों की तरह बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कमी है, जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होने वाले वाष्पीकरण से हुई थी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपस में होने वाले ये टकराव वास्तव में काफी एनर्जी रिलीज करते हैं। लेकिन कुछ हद तक इसका तात्पर्य ये है कि रियोगु और बाकी कई सारे दूसरे समान एस्ट्रॉइड्स कहीं ना कहीं एक तरह के डिलीवरी बॉक्स के जैसे हैं। ये सौरमंडल में घूमते हैं और हर जगह से बहुत सारे मटेरियल को कलेक्ट करते हैं, फिर वह इसकी सतह पर केमिकली इंटरेक्ट करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, और फिर कभी कभी ये डिलीवरी बॉक्स इन सभी को सौरमंडल के किसी एक प्लैनेट पर ले आते हैं। लेकिन फिर रिसर्चर्स ने कुछ और खोजा और उन्होंने दो नई चीजें पाई। पहली चीज, उन्हें दो छोटे छोटे दाने मिले जो कि सब चीजों से अलग दिखते थे, और साथ ही ये आयरन और सल्फर से भरे हुए थे, लेकिन इनमें खास ज्यादा सिलिकेट या ऑक्सीजन नहीं थी।
और यही कारण है कि ये कुछ हद तक सबसे अलग है। इन्हें आप इन सैंपल्स में भी देख सकते हैं। और यहाँ एक्सप्लेनेशन केवल यही है कि ये प्री सोलर ग्रेन्स हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो कि संभावना है कि सौरमंडल के बाहर से आए थे या सूर्य के सूर्य बनने से पहले के बने थे। ये रियोगु में भी थे, जो कि वाकई में बढ़िया है। इसका मतलब ये हुआ कि रियोगु केवल एक प्रकार का पत्थर नहीं है, बल्कि ये तो सौरमंडल में कई विभिन्न कालों में बने हुए धूल के कण हैं, जो कि सौरमंडल की शुरुआत से और उसके निर्माण से भी पहले के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप इसे एक बड़े बर्फ के गोले के रूप में इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे ये सौरमंडल के निर्माण के बाद किसी तरह घूमता रहा होगा और अपने साथ चीजों को इकट्ठा करता रहा होगा, जिससे कि ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनता गया और धीरे धीरे अंत में पृथ्वी के करीब पहुंच गया। सौरमंडल के विकास को देखने के लिए ये अब तक की वाकई में एक बहुत बड़ी खोज है। साथ ही ये खोज बिना किसी डाउट के यहाँ अर्थ की जमीन की सतहों और वायुमंडलों के विकास को देखने के लिए काफी बड़ी खोज है। इसका मतलब है कि हम जो भी इस ग्रह की सतह पर होने वाली रिएक्शंस को आसान समझते हैं, बल्कि वो काफी कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस के बाद आया है। और इनमें से कई रिएक्शंस तो हमारे जीवन के नींव रखने के रूप में भी काम कर चुकी हैं। वास्तव में यहाँ बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जिनका मानना है कि सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और अलग अलग चीजों के टुकड़े जैसे RNA और DNA जीवन के विकास से पहले ही पृथ्वी पर पहुंच गए थे, लेकिन रियोगु फिर से किसी चीज का टुकड़ा बनकर स्वयं से शुरू हुआ, जो कि किसी विशाल चट्टान का टुकड़ा था, जो कि एक प्लेनेट बन सकता था। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये टकरावों के कारण तबाह हो गया। अमेजिंग सी बात तो यह है कि हमने इन पिछले बीते 4 सालों में एस्ट्रॉयड और सौरमंडल के बारे में काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें सीखी हैं, लेकिन बात यह है कि ये बस शुरुआत है। अभी भी हमें और सैंपल्स को एनालाइज करना बाकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब बेनू से मिले सैंपल्स को भी खोला गया है और जल्द ही हमें मिशन की ओर से खास रिजल्ट्स सुनने को मिलेंगे। तो मैं इस डिस्कवरी में बस इन्हीं चीजों को मेंशन करना चाहता था। तो फिर मिलते हैं फ्यूचर डिस्कवरीज के साथ। और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा।